एवरी वन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर के आई हूँ और गर्मी बहुत हो रही है इसलिए पानी पीते रहिए, बहुत पसीना निकल रहा है, बट इट्स ओके। और आज मैं बताने वाली हूँ न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में। दिस इज़ फ्रॉम एलेटीन और एलेटीन के ये नए लिप क्रेयॉन्स, 8 लिप क्रेयॉन लॉन्च हुए हैं और इन 8ों को मैंने नायका से परचेज किया है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, लिप्स पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है। ये जो लिप क्रेयॉन है, एक की कीमत 110 रुपये है, तो ये टोटल जो है मैंने 8 मंगाए थे और ये किसी भी एक हज़ार रुपये की लिपस्टिक आप ले लीजिए एक, या तो फिर ये 8 लिप क्रेयॉन ले लीजिए, बात बराबर ही है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और क्योंकि एलेटीन के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं और थोड़े से रीज़नेबल प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रोडक्ट के प्राइस की, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ये 110 रुपये लिखा हुआ है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक कलर का शेड और शेड नंबर एंड नेम लिप क्रेयॉन पर मेंशन है और इस तरीके से दिखता है। कुछ कुछ याद आ रहा है आपको, लैक्मे का लिप क्रेयॉन बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी मैं इसे अप्लाई करूँगी दोस्तों एंड इसको मैं बताऊंगी, और मैंने ना इसको यूज़ करके भी देखा है। तो पैकेजिंग जो है वो इस तरीके की है, इस तरीके का ये शेड है, बड़ा ही प्यारा सा है, लेकिन इसके लिए आपको शार्पनर कैरी करना पड़ेगा दोस्तों, जिससे कि आप इसे शार्प कर सकें, बट इतना टाइनी सा है कि आपके वॉलेट में ईजिली आ जाएगा। और चलिए अब मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। और मैं ना एक चीज़ बताऊंगी कि इसके अंदर ऑलिव ऑयल है एंड होबा ऑयल है, जिसकी वजह से आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रहेंगे, बट इसके अंदर मिनरल पाउडर है, जो कि बहुत ही इसको पाउडरी फिनिश भी देगा, तो ये मैट लुक भी क्रिएट करेगा। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है एंड इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 2.2 ग्राम। और मैं आपको ना एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड इट्स वेरी नाइस। अगर आपको 110 रुपए में कोई अच्छी लिप क्रेयॉन चाहिए तो ये अच्छी है दोस्तों। और ये ना टीनेजर्स के लिए अच्छा है, जिनको अफोर्डेबल लिप कलर चाहिए। और मैं आपको एक यहाँ पर शेड 1 by 1 दिखाती जाऊँगी। सी, दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल शेड एंड इसका जो शेड नंबर है ये है 05 फूशिया बर्स्ट। तो इसको आराम से इसको ना अप्लाई करना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अगला जो शेड है दोस्तों, दिस इज़ द शेड 04 पीच लव। तो मैं इसे रिमूव कर लेती हूँ ज़रा। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट शेड, और ये ना बहुत ही लाइट सा, बहुत सॉफ्ट, एक्चुअली ये पीच कलर है और ये लिप्स पे बहुत नेचुरल लग रहा है एंड इसका शेड मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ ज़रा। ये ऐसा उतना पिगमेंटेड नहीं है बट या लिप्स को एकदम पीची लुक देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना, इट्स वेरी नाइस। और शेड नंबर है इसका 04 पीच लव। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ नेक्स्ट शेड। तो ये है बहुत ही खूबसूरत हाइपर ब्राउन एंड इट्स लवली शेड। एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा है कि लिप्स पे कुछ लगा है, बहुत खूबसूरत न्यूड शेड है ये एंड शेड नंबर है 08। सो शेड्स बहुत अच्छे अच्छे निकाले हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा शेड्स नहीं है, लाइक 8 शेड हैं, लेकिन 8ों के 8ों शेड्स जो है वो सबको बहुत पसंद आएंगे। तो अगला शेड नंबर मैं अप्लाई करने वाली हूँ, बट मैं ये कहूँ कि अभी तक मुझे सबसे प्यारा शेड जो है वो यही लगा है दोस्तों। ये कोई पिंक शेड नहीं है, दिस इज़ द शेड 03 मोव शॉट एंड ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, जो कि हर स्किन टोन पर बहुत अच्छा लगेगा। और इसका शेड मैं यहाँ दिखा देती हूँ। हल्का सा पिगमेंटेशन आपको लगेगा कि ज़रा सा कम तो नहीं है, बट आई थिंक सफिशिएंट है। और बात करूँ ट्रांसफ़र होने की, तो ये होते हैं सी, है ना, ट्रांसफ़र होते हैं, बट लिप्स पे एज इट इज़ पिगमेंटेशन बरकरार रहता है, विच इज़ वेरी गुड, और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है एक टिंटेड अच्छा सा शेड जो लिप्स पे, वो अच्छी चीज़ है। तो ये है अगला शेड और इस शेड का नाम है शॉकिंग पिंक।
06 इसका नंबर है एंड इट्स वेरी नाइस, दिस इज़ द शेड शॉकिंग पिंक। तो ये शेड आप देख रहे हैं, यू नो, बहुत ही ब्राइट सा है और सब पर बहुत अच्छा लगेगा, फेस्टिवल्स में भी। तो ये आप देख रहे हैं अगला शेड एंड इट्स वेरी नाइस एंड सॉफ्ट। और ये ना एक बहुत ही प्यारा सा कोरल शेड है, इसका नाम है बेक्ड ब्लश 07। और ये जो शेड है ना, ये एक्सट्रीमली फेयर स्किन पे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे तो सारे कलर्स सब पे अच्छे लगते हैं, बस कैरी करने में कंफर्टेबल होना चाहिए। सो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ अगला शेड। और एक चीज़ मैं बोलूँगी इन शेड्स के बारे में कि लिपस्टिक आपको ना 4-5 बार अप्लाई करनी पड़ती है लिप क्रेयॉन, क्योंकि ना इसका पिगमेंटेशन, बिकॉज़ ये नए हैं तो थोड़ा सा नई लिपस्टिक्स को बार बार थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है, 3-4 कोट, इस वजह से भी। और ये है नेक्स्ट शेड एंड इसका नंबर है रेड स्टे 01 एंड दिस इज़ वेरी ब्राइट, एक्चुअली इट्स वेरी नाइस। और ये इस रेंज का सबसे ब्यूटीफुल रेड शेड है, रेड स्टे। तो अगर आप कोई और शेड नहीं चाहती हैं तो आप रेड परचेज कर सकती हैं। और ये इस रेंज का है ऑरेंज शेड एंड इट्स ऑल्सो नाइस। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, तो ये आप देख लीजिए, इतने बार इस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको शेड समझ आएगा। तो ये हैं टोटल 10 शेड्स जो कि एलेटीन के गो मैट क्रेयॉन्स हैं। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी कि मुझे फॉर्मूला अच्छा लगा, बट आपको ना थोड़ा सा 4-5 बार अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये अच्छे से लिप्स पर अप्लाई होगी। तो ओवरऑल ये लिप क्रेयॉन्स हैं बहुत अच्छे, प्राइस वाइज अच्छे हैं और आप इजीली इन्हें परचेज़ कर सकती हैं। आई थिंक ये मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर से परचेज़ करिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आप और भी लिपस्टिक्स और प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखना चाहते हैं स्किन केयर एंड ब्यूटी से रिलेटेड, तो रारा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जा करके ज़रूर से मेरी सारी वीडियो देखें, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये देखिए, मुझे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि अब बहुत गर्मी है। सो बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच। एंड ये फार्मूला क्योंकि ट्रांसफ़र भी होता है तो आप इसको ना टिश्यू पेपर से सेट कर सकती हैं, तो फिर ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे शॉपिंग हॉल जरूर देखिएगा। बाय बाय। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सॉरी भूल गई थी, कि इनकी जो स्टेइंग पावर है वो काफ़ी अच्छी है। लाइक 4 से 5 घंटे ये स्टे करते हैं, उसके बाद आपको टचअप करना पड़ेगा, सो स्टेइंग पावर इज ऑल्सो गुड। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये एलेटीन के जो गो मैट क्रेयॉन्स हैं, इसमें ये 3 शेड मैंने अलग किए हैं और ये 5 अलग। तो ये 5 जो है वो टोटली मैट हैं और ये 3 में थोड़ा सा मेटालिक लुक है, इसमें हल्की सी शाइन है, 07, 05 एंड 03 जो शेड नंबर हैं। और ये ना लाइट में, रूम लाइट में आपको ऐसा शायद पता ना चले, मगर लिप्स पे अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा पता चलेगा। और अगर आप डे लाइट में इसको बाहर दिन के उजाले में चेक करेंगे तो आपको इसकी साफ साफ जो इन तीनों शेड्स की जो मेटालिक लुक है वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा। ये आप शेड नेम पढ़ सकते हैं, मूव शॉर्ट, फूशिया बर्स्ट एंड बेक्ड ब्लश। तो ये 3 शेड थे, बस यही बताना था। बाकी ये टोटली मैट है, इनमें कोई शाइन, कोई शिमरीनेस नहीं है। और इनमें भी शाइन इतनी माइक्रो है कि मुझे ऐसा चुतना पता नहीं चला, बट यही बताना था मुझे दोस्तों। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।